गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नामदेव स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर हमने अभी तक देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने ये भी कहा था कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को जरूर देखिए। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो प्लीज 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 इस टॉपिक को थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, विद्युत विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर होता क्या है वो सुनना मेरी बात। विभवांतर ये क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, सुनना मेरी बात को। सपोज करो ये मैंने एक पॉइंट पर यूनिट चार्ज ले लिया, ये क्या हमारे पास एक स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश है। इस स्रोत आवेश का चार्ज कितना है क्यू। इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र जो बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट की कल्पना की। पहला पॉइंट था हमारे पास ए और ये पॉइंट कितना था हमारे पास बी। तो इनके बीच के डिस्टेंस ये हमने इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दिया और ये हमारे पास ए पॉइंट था और ये पॉइंट बी। तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव मतलब विद्युत विभवांतर, मतलब इन दोनों के मध्य जो विद्युत विभवांतर है वो इन दोनों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर एवं परीक्षण धनावेश, जो हमने टेस्ट तार लिखे थे, क्या बोलेंगे इसको, परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश कह सकते हो, परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होता है, तुल्य होता है। तो सुनना बेटा क्या होता है कि विद्युत विभवांतर जो था, विद्युत विभवांतर वो क्या था, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर अपॉन में परीक्षण धनावेश टेस्ट चार्ज, उन दोनों के अंतर के क्या था, अनुपात के तुल्य थे। तो देखो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये मैंने ले लिया वी बी माइनस वी ए, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने मान ली कितनी है, यू बी, और ये कितना है यू ए। तो ये कितना हो जाएगा यू बी माइनस यू ए अपॉन में कितना हो जाएगा परीक्षण धनावेश क्यू, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका। जो समीकरण एक में तो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो पोटेंशियल डिफरेंस स्थितिज ऊर्जा के पदों में है, बट जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की या पोटेंशियल की चर्चा करते हैं, सॉरी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा करते हैं, तो उस दौरान जो पोटेंशियल होता है वो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी के क्रम में नहीं लाना, हमें बाह्य जो बल था एक्सटर्नल एजेंट द्वारा उस पॉइंट सोर्स आवेश को ए से बी तक लाने के लिए जो कार्य था बाह्य बल द्वारा उसके पदों में लेकर आना है। तो अब मैं जो चीज लिख रहा हूं वो लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है, दिल थाम के बैठिए। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा है तो मैं पक्का कह देता हूँ इस टॉपिक को आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपने पढ़ा लेक्चर नंबर फर्स्ट में यू बी माइनस यू ए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट एफ। एफ कौन सा बेटा, एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक लेके गए, एक्सटर्नल ए से बी डॉट डी आर, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी और कितना होता है माइनस एफ इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट कितना होगा बेटा डी आर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले लिखे तो क्यू नॉट ले लिया कॉमन और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी और कितना देगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये मैंने कल पढ़ा दिया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। तो इसी फैक्टर को अब हम यूज करेंगे। देखो इस फैक्टर को यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, मैं फिर से आपको रिमेम्बर करा देना चाहता हूँ कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी बात होती है तो उस दौरान हमें एक्सटर्नल एजेंट का ही वेक्टर लेना है, हमें बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पदों में या इलेक्ट्रिक फोर्स के पदों में नहीं लेना। तो सर आपने ये लिखा क्यों, ये दोनों फैक्टर अगर आपको लेना ही है था तो आपका टाइम वेस्ट क्यों किया हमारा। तो बेटा ये जो चीज है मैंने क्यों लिखी, कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे या डेरिवेशन को सोल्व करेंगे उस टॉपिक के बारे में तो हमें ये फैक्टर चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमें पता है कितना होगा, पर बेटा एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई समीकरण हमारे पास नहीं होगी।
और एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए समीकरण जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाई गई, कूलाम का जो नियम है उसे जो हमने बल डिफाइन किया था वो हमें पता होता है कितना होता है एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू ऊपर में कितना होता है आर एस। अच्छा सर ये बात ठीक है सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो जब भी हम कोई डेरिवेशन एक्सप्लेन करेंगे उस दौरान अगर कोई हमें चीज करनी है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लेके आएंगे ना कि एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स। ठीक है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो फैक्टर है वो मैं समीकरण एक में रख देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण दो का मतलब समीकरण फर्स्ट में रखा तो कितना आया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वन अपॉन में क्यू नॉट कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन ए टू बी वो कितना है एफ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कार्य किया गया है कहां से कहां तक बेटा ए से बी तक डॉट कितना आएगा बेटा डी आर। अरे भाई साहब ये कार्य तो है अगर ये बाह्य बल ही तो है तो कार्य के रिजल्ट डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट कहां से बी तक अपॉन में कितना देगा भाई साहब क्यू नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक कर रहे हैं कहां दिए ए से बी तक अपॉन में कितना जाएगा क्यू नॉट। ये लो बेटा इक्वेशन थ्री दे दी ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो क्या हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस से ही निकालेंगे पर उसके लिए हमें एक ऐसे पॉइंट की जरूरत है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे निरपेक्ष बिंदु का। अभी तक जो पोटेंशियल है वो कोई हमें एक ऐसे बिंदु का चयन करना है उस बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी और कह सकता हूं मैं क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूं या फिर मैं कह सकता हूं बेटा कि वहां पर जो है वो पोटेंशियल कितना होना चाहिए जीरो। उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे बेटा पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे मैं कह देता हूं कि मेरा घर यहां से 200 मीटर दूरी पर तो यहां से कहां से मतलब आपको कोई रेफरेंस पॉइंट से लेना पड़ेगा ना कि इस स्कूल से मेरा घर 200 मीटर की दूरी में है या मेरे घर 300 मीटर की दूरी में। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं है बेटा 200 मीटर का हम परिधि से फर्क खींच सकते हैं पूरा पूरा 200 मीटर को त्रिज्या मान के हम पूरा सर्कमफेरेंस मान सकते हैं फिर पूरी स्थिति चेंज हो जाएगी डायरेक्शन तक कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है तो उस फैक्टर को हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे हम विद्युत विभव को डिफाइन कर देंगे पर जब परिभाषा आएगी तो परिभाषा में ही समझेंगे हम। ठीक है ना देखो क्या हुआ कि विद्युत विभव के लिए हम एक ऐसे बिंदु का चयन करेंगे एक ऐसे बिंदु का चयन करेंगे जिस पर क्या हो विद्युत विभव क्या हो विद्युत विभव यानी कि वी पोटेंशियल की तो जीरो वोल्ट। अभी ये पोटेंशियल का मात्रक होता है आपको कुछ नहीं ध्यान रखना आपको पता है पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ठीक है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जीरो जूल ऊर्जा के आपने मात्रक पर रखा है जीरो ये पॉइंट जीरो और ये कहाँ होता है बेटा ये क्या होता है अनंत पर होता है कहाँ होता है अनंत पर होता है अनंत पर ये पोटेंशियल कितना होता है बेटा जीरो होता है। सर आपने कह दिया कि अनंत पर पोटेंशियल जीरो है क्या सर आप कैसे परिभाषित कर सकते हो ये पोटेंशियल अनंत पर जीरो। बिल्कुल जो आपके मन में भी जो ख्याल उठा सर आपने कह दिया कि अनंत पर पोटेंशियल जीरो हमने मान लिया तो सर फिजिक्स में कोई चीज मानने की नहीं होती आप हमें बताओ पूर्व तरीकों में पोटेंशियल अनंत पर जीरो कैसे होता है। तो जब मैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालूंगा वहां पर मैं ये प्रूफ कर दूंगा बेटा कि अनंत पर पोटेंशियल कितना होता है जीरो होता है इसलिए आप अभी निष्क्रिय होकर थोड़ा देखो। ठीक है अगर अनंत पे पोटेंशियल जीरो है तो हमारे पास देखो मैंने मान लिया अब देखो कि माना बिंदु ए जो है बिंदु ए क्या है बेटा अनंत पर है। अगर बिंदु ए अनंत पर है तो इसका मतलब क्या हुआ बिंदु ए पर पोटेंशियल कितना है जीरो एंड बिंदु ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो जूल। ठीक है जीरो जूल और पॉइंट ए कहाँ बेटा इनफाइनाइट पे पॉइंट ए जो बेटा इनफाइनाइट पर तो यहाँ पे देखो बेटा कितना हो जाएगा वी बी माइनस जीरो वोल्ट क्योंकि पोटेंशियल कितना होता है जीरो। हमें वर्कडन करना है बेटा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कहां से बेटा इनफाइनाइट से लेकर के पॉइंट बी तक अपॉन में कितना जाएगा क्यू नोट। अगर मैं यहाँ पे जीरो उठा दू तो बेटा ये क्या बन गया बिंदु बी पर विद्युत विभव बन चुका बिंदु बी पर क्या बन चुका बेटा विद्युत विभव बन चुका है और यहां से ही हम क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा निकालेंगे। समझ में आ गया तो देखा जाए बेटा एकांक आवेश पर किया गया कार्य तो होता है वो विद्युत विभव होता है। हाँ ये ठीक है ये परिभाषा दसवीं तक चलती थी पर अब हम कुछ ऐसे फैक्टर भी ऐड करेंगे जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड से हमने देखा।
ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, और पहले आपको समझ में आया तो यहां पे मैं बेटा एक चीज बता देता हूं कि ये जो पॉइंट है ना बी, वो एक पॉइंट फिक्स है। ये क्या है बेटा, एक यादृच्छिक बिंदु है, यादृच्छिक बिंदु। अब सर ये यादृच्छिक क्या है, कि हमने स्वेच्छा से ये पॉइंट लिया, पर सर मैं कहता हूं कि सर इनफाइनाइट मतलब ये चीज मान ली कि अब ये पॉइंट यहां और ये पॉइंट यहां और ये पॉइंट कहीं भी हो, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका जो व्यापक पद है इस पॉइंट बी का, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे माना गया है, मैं इसको व्यापक रूप में लिखूं तो व्यापक रूप में क्या लिखूंगा बेटा, व्यापक रूप में व्यक्त करने पर। तो व्यापक पद व्यक्त करने पर किस जाएगा, पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना। पॉइंट पी मैंने क्या मान लिया, कहीं भी इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी हमने पोटेंशियल निकालना है, उस चीज के बारे में देखेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगभग कहां से इनफाइनाइट से पॉइंट P तक अपॉन में कितना देगा बेटा Q नॉट। ये क्या है, विद्युत विभव का एक व्यापक पद है, वो चीज देखेंगे हमारे। कोई दिक्कत इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ चुकी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ चुका है। अब हम चलेंगे बेटा किस पर, पोटेंशियल। हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस को व्यापक पदों में लिखा था, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, विद्युत विभव पढ़ेंगे। चलिए विद्युत विभव के बारे में चर्चा करते हैं हम। अब विद्युत विभव क्या होता है, देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़नी, हालांकि यही विद्युत विभव है, कार्य बटे आवेश ही विद्युत विभव है, इसमें कुछ कोई बड़ी मैं ऐड नहीं करने वाला, ये कोई मतलब कोई अलग क्रम में नहीं लेके आऊंगा, यही पोटेंशियल है। पर इस पोटेंशियल को डिफाइन करने को, इसको परिभाषित करने के लिए हमें कुछ एक ऐसे टर्म जोड़ने पड़ेंगे जो कह सकते हो एक कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, ये एक प्रकार से कॉमन सेंस को जोड़ना पड़ेगा अपने को, वो जोड़ते हैं इसमें। बस आपको लिखी हुई दिख रही है, इस परिभाषा को समझा देता हूं क्या है, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर एकांक, एकांक मतलब चार्ज डिवाइड में आएगा, ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, देख लो इनफाइनाइट से, एक समान वेग से। जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी तो वो लेक्चर नंबर फर्स्ट के एंड में आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत डीप समझाया था, मतलब लेक्चर तो था वो 26 मिनट का था, 18 मिनट से लेकर के 26 मिनट के अंदर आपको इस एक समान वेग और गति ऊर्जा में बिना परिवर्तन के फैक्टर को पूरा डीप समझाया। अगर आपने वो देखा है तो मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा ये फैक्टर मैंने क्यों लिखा, और नहीं देखा तो प्लीज वो उस वीडियो को जाकर देख, ठीक है। तो एक समान वेग से गति ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के क्या होगा बेटा, तुल्य होगा तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब सीधा विद्युत विभव लिखे, जो विद्युत विभव, विभव मतलब क्या होगा बेटा, कार्य बटे में कितना होगा आवेश, कार्य भी ये नहीं लिखेंगे बेटा, किया गया कार्य बटे में क्या लिखेंगे, आवेश, किया गया कार्य बटे में कितना होगा आवेश। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक पॉइंट पी पर, तो यही जो फैक्टर लिखना अपने को, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने के लिए गर्दन अपॉन में कितना होगा क्यू नॉट। ये हमारे पास पोटेंशियल के डिफाइन। अब जो पोटेंशियल आ चुका है, इस पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी, इस फैक्टर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली पॉइंट ये है कि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, एक अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि। अब अदिश क्यों है बेटा, क्योंकि देख लो पोटेंशियल में वर्कडन और क्या है चार्ज, वर्कडन और चार्ज दोनों ही क्या होते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती। दूसरी बात देखो बेटा, पोटेंशियल के पोटेंशियल का विमात्रक देख लेते हैं बेटा, तो एसआई यूनिट ऑफ वी, वी कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू किसके बराबर होता है जूल के बराबर होता है, अपॉन वी किसके बराबर होता है कूलोम के बराबर होता है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल अपॉन में कूलम, या कह सकते हैं इसको वोल्ट की स्वीकृति देगी। इसके बाद देखिए हमारे पास सीडीएस यूनिट, तो सीडीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीडीएस यूनिट ऑफ वी, मैं वी लिखूंगा सीधा। अब सीडीएस यूनिट यहां पर कितनी होगी बेटा, इसकी दो प्रकार की होगी, क्योंकि देखो जूल का जो मात्रक सीडीएस पद्धति में जो होता है वो तो कितना होता है बेटा अर्ग, बट चार्ज का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है बेटा वो कितने हो गए, दो हो जाते हैं, एक तो ई एम यू, एक होता है बेटा ई और एस यू। अगर ये दो है तो पोटेंशियल भी कितना बनेगा,
दो मात्रक से मिलकर बनेगा। अब इन दोनों मात्रकों को हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखा जाए पोटेंशियल को देखो, एक तो देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ESU मात्रक पद्धति में, और दूसरा किसमें देखेंगे EMU मात्रक पद्धति में। इसमें जो मात्रक होता बेटा वो होता है स्टेट वोल्ट, क्या होता है स्टेट वोल्ट, और इसमें जो होता है बेटा वो क्या बोलते हैं AB वोल्ट, जैसे कभी कभी बोलते हैं एब वोल्ट, एब देखते हैं क्या होगा कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट आपने को पता है कि एक वोल्ट किसके बराबर होता है, एक जूल बटे में कितना होता है एक कूलम, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा 10^7 अर्ग, अपन में एक कूलम जो होता है एक कूलम के अंदर कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो एक कूलम के अंदर स्टेट कूलम की बात करें 3 × 10^9 और ये कितना होता है बेटा स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम अपॉन में अर्ग जो होता है वो क्या बनाता है बेटा स्टेट वोल्ट बनाता, तो एक जो वोल्ट होता है इसको सॉल्व करो 7 से कटेंगे 9 तो कितना बचेगा 1/300 और ये कितना रहेगा स्टेट वोल्ट। इसके बाद इधर देखा जाए बेटा कि यहां पे हमारे पास देखा जाए क्या होगा एक वोल्ट जो होता है, वापस वही चीज है अपने को कि एक जूल बटे में कितना होगा एक कूलम, सबसे पहले एक जूल में कितना होता है 10^7 ये हो गया अर्ग, अपॉन में एक कूलम में कितने भी कूलम होते हैं तो 1/10 और कितना होता है ए बी कूलम। अब ये जो फैक्टर होता है वो क्या बनेगा ए बी वोल्ट बनेगा, तो ये जो होगा एक वोल्ट वो कितना बन जाएगा बेटा ये 10 जो थे वो ऊपर चले जाएंगे 10^ कितना हो देंगे 8 और ये हो जाएगा एब वोल्ट। ये लो भाई साहब अब हमें क्या करना है बेटा इसकी जो ए बी वोल्ट है और स्टेट वोल्ट है उसमें भी क्या निकालना पड़ेगा रिलेशन निकालना पड़ेगा, ऐसे आसानी है कोई दिक्कत नहीं है वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप एक बात देखो कि यहां पर भी कितना है एक वोल्ट है और यहां पर भी कितना है एक वोल्ट, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के एलएचएस टर्म जो है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों इक्वेशन के आरएचएस पद भी क्या होंगे सेम होंगे। तो यहां पे कितना आएगा 1/300 स्टेट वोल्ट होगा, स्टेट वोल्ट वो कितना आ जाएगा 10^8 ए बी वोल्ट हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो 1 स्टेट वोल्ट होगा वो कितना देगा 3 × 10^10 देखो 3 तो ये रहा 2^3 और 8 ये रही तो कितना हो जाएंगे ऐड होने पर 10 बन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा ए बी वोल्ट। ये लो भाई साहब इस पोटेंशियल के बारे में हमने जो मात्रक थे वो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी डायमेंशन के बारे में, समझ पढ़ेंगे पोटेंशियल की विमा के बारे में। देख लो बेटा विमा कितनी होगी विमा वो कितना होगा वी बराबर डब्ल्यू पर हमने क्यों कार्य विमा कितनी होती है आपको पता होगा बेटा कार्य विमा होती है M1 L2 T-2 अपन में कितना होगा A1 और T1 सॉल्व करें तो कितना देगा बेटा इसको देखो ऊपर ले जाओ तो M1 L2 T-3 वो कितना आ जाएगा A-1 ये हमारे पास किसी हो जाएगी विद्युत विभव की बीमा हो जाएगी। अब एक चीज देखते हैं बेटा ये यहाँ पे टॉपिक बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चीज अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आने वाली है, आपकी बुक में भी दे रखी है इसके बारे में तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या पता कोई पूछ ले पेपर के अंदर। देखो हम अभी तक ऊर्जा का जो मात्रक पढ़ते आए हैं वो किसमें पढ़ के आए जूल में पढ़ते आए। देखो जब नाभिकीय भौतिकी पढ़ी जाती है नाभिक के अंदर परमाणु के अंदर स्टडी कर दिया है तो परमाणु के अंदर जो ऊर्जा होती है वो जूल में नहीं होती, तो सर जूल में नहीं तो किसमें होती है, अब हम वही चीज के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो विभव है वो कितना होता है कार्य बटे में आवेश, तो यहां से देखो बेटा मैं कह सकता हूँ कि जो कार्य है वो कितना होगा V × Q या कह सकता हूँ इसको Q × V में। इसका मतलब क्या होगा कि कूलाम इंटू वोल्ट जो है वो भी क्या बना सकता है बेटा कूलाम इंटू वोल्ट जो है वो भी क्या बना सकता है जूल बना सकता है ठीक है। तो कूलाम इंटू वोल्ट अगर जूल बना सकता है क्योंकि कार्य जूल होता है तो इसका मतलब क्या होता है कूलाम इंटू वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होगा
और यहां से ही हमने क्या लिया बेटा, एक नई ऊर्जा का मात्रक लिया जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों बोला बेटा? वोल्ट तो विद्युत का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात हो रही है। तो देखो अगर बेटा सुनो मेरी बात को, यहां पे अगर मैं जूल लिखूं तो वन जूल लिखूं तो वन जूल कितना हो सकता है? वन इलेक्ट्रॉन इंटू वन वोल्ट। अब सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारे पास कितना? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। पढ़ा आपने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सर माइनस का होता है, मैंने एक बार के लिए मान के चलो मॉड लिया, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो कितना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनना एक बार के लिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन इंटू कितना होगा बेटा? एक वोल्ट। अब देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब तो ये होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, और ये मुझे पता है कि ऊर्जा का टर्म बनेगा, और ऊर्जा का टर्म ये तभी बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन कभी चार्ज का मात्रक नहीं होता बेटा, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को कूलम के पदों में लेके आना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है कूलम में देखा जाए तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहां से अगर मैं लिखूं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मैं मोड ले रहा हूं तो ये बन गए कूलम। इसको तो बेटा इसको ये संख्यात्मक मान इंटू परिमाण इंटू कितना आएगा? एक वोल्ट। तो एक कूलम और एक वोल्ट मिलकर क्या बना देंगे बेटा? एक जूल। तो यहां पे कितना आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। और ये बेटा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो ऊर्जा का कितना है बेटा? अगर मैं इसको एप्रोक्सीमेट मानूं, डियर स्टूडेंट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार के लिए मैं 1.6 हटा देता हूं, एक बार में के लिए मैं 1.6 हटा देता हूं, क्योंकि 1.6 को हम एक के बराबर मान ले तो ये कितना गया बेटा? 10⁻¹⁹ जूल के बराबर हो जाएगा। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यहां ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ऊर्जा होती है वो एक जूल की कितनी होती है? 1/10⁻¹⁹ भाग होती है, 10⁻¹⁹ भाग, मतलब बहुत छोटी। और यही एनर्जी क्या होती है बेटा? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर यूज में ली जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल की जो लेक्चर सीरीज होगी उस लेक्चर सीरीज के अंदर हम 0.7 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ऐसे ही कुछ बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजो आप, ताकि मैं आपके डाउट का जो सॉल्यूशन है वो कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा बस यही आशा करता हूं कि आप उस वीडियो को देखते होंगे पूरा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।